अटल विकास यात्रा, भखारा में सौगातों की झड़ी, कांग्रेसियों ने नारे लगाकर किया विरोध। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अटल विकास यात्रा 2018 के तहत धमतरी के भखारा में आयोजित आम सभा में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान भखारा के अटल स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जिले में 270 कार्यों के लिए 14,63,95,00,000 से अधिक की सौगात दी। वहीं मुख्यमंत्री ने भखारा उप तहसील को तहसील का तोहफा दिया और पूरे धमतरी वासियों को किसानों की मांग पर रबी फसल धान के लिए बांध से पानी देने की बात कही। वहीं कांग्रेसियों ने अटल विकास यात्रा का विरोध कर जमकर नारेबाजी की, जहां पुलिस को चकमा देकर पीसीसी सचिव आनंद पवार ने साथियों सहित जिला अस्पताल के सामने प्रदर्शन किया। जिला अस्पताल के सामने मुख्यमंत्री के लोकार्पण भूमि पूजन कार्यक्रम की सूची की प्रति जलाकर विरोध किया। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि फिर धमतरी की उपेक्षा कर गए प्रदेश के मुख्यमंत्री। 14,63,95,00,000 से अधिक 270 कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन में धमतरी के हिस्से में मात्र 1,29,00,000 रुपए ही आए हैं, जहां 270 लोकार्पण भूमि पूजन में भी सबसे अधिक राजस्व देने वाले सबसे लंबित और बहुप्रतीक्षित मांग जो पूर्व में स्वीकृत कोलियारी से झुरानवा गांव सड़क, जिसमें दर्जनों मौतों की बात भी पूरा नहीं हो पाया। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि धमतरी आकर जन भावनाओं से सौदेबाजी करने वाले प्रदेश के मुखिया इस बार भी धमतरी की घोर उपेक्षा कर रहे हैं। 14,63,95,00,000 के 270 विकास कार्यों में धमतरी विधानसभा के हिस्से में सिर्फ 129,00,000 रुपए का विकास कार्य, जो दर्शाता है कि धमतरी के साथ फिर भेदभाव किया गया है, धमतरी वासियों के साथ भद्दा मजाक किया गया है। कभी निगम बनाने के एवज में 3 सीट मांगकर, कभी पहले से स्वीकृत बाईपास सड़क में अंश राशि को अटकाकर, अभी तक बड़ी लाइन रेलवे की अस्पष्ट क्रियान्वयन के नाम पर न जाने कितने बार प्रदेश के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह जब भी धमतरी आए तो यहां की जनभावनाओं के साथ खेलकर चले गए। 1962 में स्वर्गीय भोपाल राव पवार के प्रयास से खुले पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाद एक भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट के लिए छत्तीसगढ़ बनने के बाद भी एक ईंट तक नहीं रखी गई। पीसीसी सचिव आनंद पवार ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिला होने के बाद भी जिला हॉस्पिटल में सर्जन और विशेषज्ञ तो दूर, ओपीडी भी सूना होते जा रहा है। दवाई मिलने की गारंटी नहीं, लेकिन दारू मिलने की गारंटी जरूर है। ये जो विकास का लोकार्पण भूमि पूजन करने आ रहे हैं, उसको हम लोग धमतरी वाले विरोध करते हैं। ये धमतरी की घोर उपेक्षा है, घोर फौजल है, और इस पति को जला करके हम लोग फाड़ करके रमन सिंह का विरोध करते हैं। द्वारा भेजा गया सूची है जो रमन सिंह मुर्दाबाद धमतरी की उपेक्षा बंद करो, बंद करो, बंद करो। 2-3 मांग रख दिया है, मुझे लगता है सारे काम तो उसने करा ही लिया, कुछ छोटे मोटे काम बाकी है। ये बड़ी बात इस क्षेत्र की जनता के मन में शायद है कि इस बखारा को उप तहसील को बखारा को पूर्ण तहसील का दर्जा दिया जाए, तो बखारा को तहसील का दर्जा दिया जाएगा। आने वाले समय में पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना की जाएगी और रबी फसल के लिए आपकी मांग है, रबी फसल के लिए इस बार बांध में पानी है, पानी की डिमांड किसानों की तरफ से आया है, मंत्री जी की ओर से आया है, आप सब की ओर से आया है। यदि पानी चाहिए तो आप दोनों हाथ उठा के ताली बजा के बताइए कि पानी चाहिए बखारा को पूर्ण को। आप यदि तैयार है तो एक बार रवि में गर्मी के दिन में पानी आपको दिया जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।